दोस्तों, वर्तमान समय में हम सभी को अनगिनत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इन समस्याओं में महंगाई की जो समस्या है, महंगाई की समस्या के कारण लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई आखिर है तो है क्या? महंगाई किसी वस्तु या कोई सेवाओं में समय के साथ होने वाली वृद्धि को कहते हैं और इसी महंगाई के कारण एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति भी अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। और ऐसे व्यक्ति जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनके सामने तो बहुत बड़ी ही समस्या खड़ी है। गरीब इंसान महंगाई के कारण भूखों मर रहा है, तो किसान जो खुद उत्पादन करते हैं वो अपनी चीजों का उपभोग नहीं कर पा रहा है। उच्च आर्थिक व्यक्तियों के जीवन में इसका कोई असर नहीं है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति के जीवन में इस महंगाई ने उनकी हालत ही खराब कर दी है। गरीब इंसान अपने शौक तो क्या, अपनी रोजी रोटी की भी पूर्ति नहीं कर पा रहे। और आइए, इस महंगाई पर ही एक बहुत सुंदर सी कविता है जो हम आपको सुनाते हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आप सुन रहे हैं AKS रेडियो 90.4 FM सतना, RJ संजय गुप्ता के साथ। तो क्या कहती हैं ये पंक्तियां सुनिए। हाय रे महंगाई, तूने कैसी आफत ढाई, हाय रे महंगाई तूने कैसी आफत ढाई, गरीबों के जीवन को तूने तो बना ही दिया दुखदाई। खीर कचौड़ी वो क्या जाने, वो क्या जाने मलाई, कि खीर कचौड़ी वो क्या जाने मलाई, और घर में अन्न का दाना नहीं उनके, ऐसी है गरीबी छाई, कि हाय रे महंगाई तूने कैसी आफत ढाई। आगे की पंक्तियां क्या कहती हैं जरा सुनिएगा, कि कुपोषण ने तो अब तो उनको अपने चंगुल में है घेरा, और जीवन की जद्दोजहद में बची केवल तन्हाई, हाय रे महंगाई तूने कैसी आफत ढाई। और आगे की पंक्तियां क्या कहती हैं, कि महंगाई के रंग में रंगी, महंगाई के रंग में रंगी एक नई बीमारी आई, कि महंगाई के रंग में रंगी एक नई बीमारी आई, कहते थे जिसको कोरोना जो अपने संग मौत ले आई, कि महंगाई के जोर में बेरोजगारी भी है हर तरफ छाई, महंगाई के जोर में भी हर तरफ है बेरोजगारी छाई, हर तरफ कोहराम मचा नहीं कोई सुनवाई, नहीं कोई सुनवाई, हाय रे महंगाई तूने कैसी आफत ढाई, और गरीबों के जीवन को तूने बना दिया दुखदाई, बना दिया दुखदाई। तो ये कुछ खूबसूरत सी पंक्तियां थी, और ये पंक्तियां आपको कैसे लगी, पंक्तियां अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ आपका दोस्त संजय गुप्ता सतना, और इसी तरह सुनते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए AKS रेडियो 90.4 FM के साथ।